सबसेट से रिलेटेड ही और बातें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेट्स ले लेते हैं, 1 2 3 4, एक सेट सी हो गया, 3 4 5 6 सेट ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एक सेट डी, सेट बी 2 and 4। अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो हमने अभी अभी सीखी, इसके अकॉर्डिंग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने सेट्स लिखे हुए हैं ए बी सी डी और यू, इनमें से कौन कौन एक दूसरे के सबसेट हैं, कैसे इनमें रिलेशन बन पा रहा है, कौन किसका सबसेट है, वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगर सबसेट होगा तो यूज़ करेंगे इस वाले साइन का, और अगर सबसेट नहीं होगा तो इस वाले साइन का। चलो तो ये बात ध्यान रखनी है, सबसेट वही होता है, उसके सारे एलिमेंट हमारे दूसरे सेट के अंदर होने चाहिए, तो फिर वो सबसेट कहलाएगा उसका। फर्स्ट में क्या आएगा, ए सबसेट होगा सी का कि नहीं होगा, बोलो। ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, रीजन क्या है, रीजन क्या है, हाँ, क्योंकि ए के पास, हाँ, सी के सारे एलिमेंट नहीं है, ठीक है, रीजन हो गया ए डू नॉट हैव ऑल दी, सारे एलिमेंट होने चाहिए, ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ सी, रीजन हो गया। सेकंड, सी ए का सबसेट, ये भी नहीं है। Then third, third, ये भी नहीं है भाई। यू थोड़े ना सबसेट होगा ए का, ए का सबसेट यू थोड़े ना होगा, यू के पास तो, यू के पास ज्यादा एलिमेंट है, उससे भी ज्यादा है, ये हो सकता है। इस साइन को हम ऐसे यूज करें, दिस इज पॉसिबल, और उसके लिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं इस तरह से। अब हम यूज कर सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ यू, अब कहा जा सकता है कि नहीं कहा सकते। फोर्थ में फिर फिफ्थ, यस हो गया, देन नो, सेवेंथ ए डैश बी, ये भी नहीं है, देन एट्थ, यस बी इज द सबसेट ऑफ यू, देन सी इज द सबसेट ऑफ यू, 3 4 5 6 3 4 5 6 है इसके अंदर, ये भी, ये हो गया ना, सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा। अब कुछ इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें आती हैं सेट के अंदर ही, कुछ प्रॉपर्टीज हैं
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली बात क्या होता है कि हर सेट, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इट्सेल्फ। देखो ऐसा तो होगा ही होगा, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इट्सेल्फ। कैसे? सपोज वी हैव सेट ए इन विच वी हैव 1, 2, 3 एंड 4, चार एलिमेंट हैं, और मैं फिर से इस ए को ही लिख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसकी 1, 2, 3, 4, फिर से मैंने यही लिख लिया, तो ये तो अब हम कहेंगे ही ना कि ए इज द सबसेट ऑफ ए, ए इज द सबसेट ऑफ ए। सबसेट होने के लिए क्या कंडीशन है? अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा, कोई किसी का सबसेट कब कहलाएगा? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। अब यहां पर हम देखें, इसके जितने भी एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, ये इसके अंदर भी तो है, isn't it? दोनों सेम है, तो इसलिए कहा जा रहा है ए इज द सबसेट ऑफ ए। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या चीज निकल के आई? एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि हर सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट तो मिल ही जाएंगे जो खुद उसके अंदर है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो आती है, दैट इज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट के बारे में बताया था टाइप्स ऑफ सेट के अंदर, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता ही होता है, ये ध्यान रखना है। एम्प्टी सेट को किससे रिप्रेजेंट करते थे हम? फाई से या ओपन ब्रेसिस, इस तरह से। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होगा। यहां पर ये सेट ए लिखा हुआ है, इसका भी होगा, कोई सब सेट लिखा हुआ हो, जितने भी सेट एग्जिस्ट करते हैं सभी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट तो होता ही है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखें, एक हम टैली तैयार करते हैं, यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं, नेचुरल नंबर सबसेट हैं होल नंबर्स के, लिखे जा सकते हैं नेचुरल नंबर सबसेट हैं होल नंबर्स के, क्या ये सही है? सही है ये बात, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। हाँ, तो सारे होल नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर तो आ ही गए, इसलिए नेचुरल नंबर होल नंबर के सबसेट हो गए। और क्या कह सकते हैं? होल नंबर से होल नंबर किसके सबसेट हो जाएंगे? ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनके अंदर नेचुरल भी आ जाते हैं, होल भी आ जाते हैं? गुड, इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम स्टार्टिंग में बताया था जेड से। देन अब ऐसे जिनके अंदर इंटीजर्स भी आ जाएं, होल नंबर भी आ जाएं, नेचुरल नंबर भी आ जाएं, रेशनल नंबर्स क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और इरेशनल नंबर भी जिनके अंदर आ जाएं, ये सारे ही नेचुरल होल नंबर इंटीजर्स रेशनल नंबर्स ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? रियल नंबर्स में। तो ऐसे हम इस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं टी से, तो ये चीज हो गई, टी माने इरेशनल नंबर्स का सेट, और आर माने रियल नंबर्स होता ही है। तो 10th क्लास में पढ़ा था कि रियल नंबर्स सारे रेशनल और इरेशनल को मिला दिया जाए तो हमारे पास बन जाते हैं रियल नंबर्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स सबसेट हैं रियल नंबर्स के, और ऐसे इरेशनल नंबर भी सबसेट हैं रियल नंबर्स के। ये हुई हमारी सेट्स की बात। अब ये बताओ कि ये जो यहां पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अभी मन में आ रहा हो? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए माइंड के अंदर, ये इनमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अभी लिख लेना, अभी लिखने का टाइम दे देंगे।
आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नंबर ऑफ सबसेट्स। क्या हम ये पता कर सकते हैं कि किसी सेट के कितने सबसेट बनेंगे? क्या हम ये पता कर सकते हैं कि किसी सेट के कितने सबसेट बनेंगे? देखो पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। n क्या है यहाँ पर? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अब देखो क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 1 और 2। अब ए के सबसेट निकालने हैं मुझे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। तो ए के कितने सबसेट आएंगे वो कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले का यूज करके, 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ इज इक्वल 2 की पावर n, यानी 2 की पावर व्हाट? n इज व्हाट? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 हो गया, यानी कि इसके सबसेट बनेंगे टोटल 4, 4 सबसेट्स बनेंगे। अब वो होंगे क्या? क्वेश्चन में पूछ लिया जाए लिस्ट देम, उन सबसेट्स को लिखो भी, तो वो क्या होंगे? ध्यान से देखो, अब ये चीज माइक ऑफ कर लो। यहां पर लिखा हुआ है लिस्ट देम, लिस्ट भी करो उनको, लिखो भी कौन कौन से सबसेट होंगे। तो सबसे पहले कभी भी किसी के सबसेट लिख रहे हो, ये बात दिमाग में रखनी है, ये प्रॉपर्टी यूज होगी, और सबसे लास्ट में ये प्रॉपर्टी यूज होगी सबसेट लिखते हुए। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। एम्प्टी सेट हर किसी के सबसेट में आता ही आता है। सबसेट्स ऑफ ए, अब मैं सबसेट लिख रहा हूं, सबसे पहले सबसेट लिखते वक्त मुझे लिखना पड़ेगा एम्प्टी सेट, कोमा लगाया, एक आ गया सबसेट, क्योंकि एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होता है, हर किसी सेट का सबसेट होता है, ये लिख लिया। फिर अगला क्या होगा? देखो ध्यान से, इसका जो एलिमेंट है इसके अंदर जो जो एलिमेंट है उनको बना के लिखना है सेट में। तो इसके अंदर सबसे पहले 1 है, एक 1 1 का सेट हो गया, फिर दूसरा एलिमेंट इसमें 2 है, 2 को लिख दिया, और तो कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, 1 और 2 दो ही तो हैं, दोनों के सेट हमने बना दिए। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये सब सेट है, सब सेट, इसमें भी सेट वर्ड यूज हो रहा है, इसलिए जब सबसेट लिखे जाते हैं उनको भी ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं हम, क्योंकि वो भी तो सेट ही हैं, और सेट को लिखा जाता है हमेशा ब्रेसिस के अंदर। ये हो गया फाइनल। लास्ट में टोटल कितने सबसेट आने थे? 4 सबसेट आने थे, अभी तो 3 आ गए, 1 2 3। अब बताओ चौथा क्या होगा? फोर्थ नंबर का क्या होगा? 1 एंड 2 खुद यही हो जाएगा, जो कि हमारी ये प्रॉपर्टी कहती है एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर कोई सेट अपना खुद का तो सबसेट होता ही होता है, क्योंकि उसके अंदर भी उसके सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो 1 और 2 लास्ट में ये खुद आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। फटाफट से एक एग्जांपल और देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए एंड ऑल्सो लिस्ट देम। पहले नंबर निकालना है, फिर उनको लिस्ट करना है, लिखना है नंबर ऑफ सबसेट्स। फॉर्मूला यूज हो गया 2 की पावर n। 2 की पावर n, n कितना है यहां पर? कितनी कार्डिनेलिटी है? कार्डिनेलिटी माने हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अभी ऊपर बताइए, तो 3 है, 2 की पावर 3 8 हो गया, यानी टोटल 8 सबसेट्स आएंगे। ये पहले ही हमें पता लग जाता है कि कितने सबसेट आएंगे, ताकि बाद में फिर गलती ना हो, कोई भी सबसेट हम मिस ना कर दें। अब टोटल काउंट करके 8 लिखेंगे, तो सबसेट्स ऑफ ए। अब लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले एम्प्टी सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसे पहले तो यही आएगा,
इसके बाद एक एक करके एलिमेंट के सेट बनाओ। सबसे पहले ए का, फिर ई का, फिर उसके बाद बी। ठीक, ये हो गया। अब देखो दो दो के बनेंगे, ए ई, फिर ई बी और बी ए, बी ए। सिंगल सिंगल एलिमेंट का बना, फिर अगर पेयर है हमारे पास तो पेयर का भी बनाएंगे, जैसे ए ई का बनेगा, ई बी का बनेगा और बी ए का बनेगा। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो चुके हैं, टोटल 8 थे। तो लास्ट में एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि खुद आ जाएगा ए ई एंड बी। ये हमारा आंसर हो गया। एनी डाउट इन दिस? ठीक है, अब करो कॉपी।